नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के वैरन क्षेत्र में, बस स्टैंड के पास पार्क में, क्योंकि मौसम ने अचानक से अपना रुख बदला है, बारिश अचानक से चालू हुई है। तो यहाँ पर कुछ युवा वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम कुछ बात करेंगे, कई सारे विषयों पर हम बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम मुद्दे पर आते हैं। फिलहाल तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब हमारे युवा वर्ग के लोग हैं। तो क्या लगा आज आप लोगों ने गणतंत्र दिवस में किस तरीके से सेलिब्रेशन किया? नाम क्या आपका? मेरा नाम विपिन मलिक है, कुठार से। तो अच्छा लगा, आई थिंक देश का त्यौहार है, नंबर वन त्यौहार है, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो दिल से अपन मनाते हैं, अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग पार्क में यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आप देखे रहे, मौसम बहुत अच्छा है, तो इसमें आनंद उठाने का अलग ही मजा आ रहा है सब लोग। ओके, आनंद लेने का क्या क्या मजा आ रहा है अगर बात की जाए? आप लोग मैचेस देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं? जरूर देखते हैं। अभी मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कैसा चल रहा है मैच? कुछ मैच तो अच्छा चला, अभी कुछ ध्यान नहीं आया, इतना इधर ही हम लोग व्यस्त हो गए है ना 26 जनवरी। तो चलिए, क्योंकि आप सब यूथ हैं, आप सब से जानना चाहेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे देश का युवा पीढ़ी क्या चाहता है, किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग तय करें, सब लोग जनता करेगी, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए तय करें, लेकिन ऐसा चुने कि जो हमारे देश के हित में काम करें, जो कि देश के हित में काम करें, और सभी को अपने सोचने समझने की शक्ति है तो अपने हिसाब से सबको व्यक्तिगत मौलिक अधिकार की आप बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री, अगर राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव ऐसे नेता बनते हैं बीजेपी को किनारे छोड़ करके, तो क्या होता है, देश का विकास किस प्रकार से होगा? देश का विकास फिर वही रुक जाएगा। उनको मैं मोदी को अच्छे से जानता हूँ, और मेरा मानना यह है कि मोदी सरकार फिर से आनी चाहिए। ओके। और जिस प्रकार से उन्होंने काम करवाया है अपने कार्यकाल में, तो अच्छा करवाया है मेरे हिसाब से। अच्छा, अपने तो कार्यकाल में अच्छा काम करवाया, तो मेरे हिसाब से मोदी सरकार फिर से आनी चाहिए। मोदी सरकार अच्छी है, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी देखिए, राहुल कोई दल के नेता क्यों नहीं? राहुल गांधी मैं नहीं मानता कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। ओके। बाकी नेताओं की अपेक्षा उनके जगह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि कांग्रेस से आएँ तो हम उनका सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन राहुल गांधी मेरे हिसाब से अच्छे नहीं हैं। आपके हिसाब से अच्छे नहीं हैं? बिल्कुल। और कितने लोग हैं? तो आपसे अब सबसे एक आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री इस बार आप लोगों को क्या चाहिए, कौन चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहिए। कैमरामैन जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट की ओर से, हमारे साथ बने रहिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने सुझाव निरंतर भेजते लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार। पोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805 266080।